सारा बाण भैया ने राम राम। और कहानी बताऊंगा एक नित्ता नेम भगवान के, कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक बुढ़ी माई थी, उसका दो बेटा दो बहू था। तो वह रोज नित्ता नेम की कहानी कहा करती, नित्ता नेम भगवान के नेम ले रखे। हाँ, नेम ले रखे उसने। तो वह बड़ी बहू ने बोली, बेटा मैं कहानी कहूँ सुन नित्ता नेम की, मेरा नेम से मेरी कहानी सुन ले। तो नहीं बोली, कोनी मेरा टेम कहानी कोनी सुनन को, मैं तो कितना झाड़ू काटूंगी, कितना दूध काटूंगी, गोबर गेरूंगी, कितना खेत में जाऊंगी, मेरे तो घणो ही काम से, मन न कोनी टेम नित्ता नेम की कहानी सुनन को। और सुना दे किसन, तेरे तो रोज को काम से। तो बूढ़ी माई बेचारी छोटी बहू डर गई, बोली बेटा मेरी कहानी सुन ली नित्ता नेम की, मैं रोज कहानी सुन के कह कि ने सुना कि किसे ने जब रोटी खाया करूँ, मेरा नेम सही हो ना, इतना मैं पानी भी कोनी पीऊँ। हाँ, तो बोली कोनी मेरो टेम, मेरे तो झाड़ू पोछा पड़े और किता के मैं काम, किता के मैं काम के मन यो ही काम से नित्ता नेम को, तेरे तो रोज को काम हो गयो, मारा कोनी बस की बात, हमको नित्ता नेम ने जाना के नित्ता नेम हो से। तो एक उसकी पोती बैठी थी छोटी सी के दौर है, तो उसने सुन ली वह बात है, कोई माँ भी नाट गई, रोई चाची भी नाट गई, दोनों नाट ली नित्ता नेम की, दादी की कहानी कोई को नहीं सुना। तो बोली दादी मन सुना दे नित्ता नेम की कहानी। तो बोली बेटी तू कह तेन सुनेगी, बड़ी हो जाएगी, तन ब्याह देंगा तू चली जाएगी, और फिर तू भी नित्ता नेम की कहानी लग जाएगी, सुन लग जाएगी कहानी, तो तेरा भी जरूरी हो जाएगी। हाँ, फिर तू अगला घर ही जाएगी के बेरो कौन मिले कि सो नित्ता नेम की कहानी रोज कोई सुननी हो पावे न पावे। हाँ कहन दी ना कहन दी, बोली ना तू मन सुना दे जिदे। फिर वह बोली ठीक से तो भाई सुन ली। तो वह बूढ़ी माई ने नित्ता नेम की, बूढ़ी माई वह पोती ने नित्ता नेम की कहानी में सुनावे रोज, और दोनों दादी पोती सुने और रोटी पानी खानी। तो फिर बोली कैसे एक दिन जब वह बहन लायक होगी, तो बोली भाई ब्राह्मण जिनका बोली आओ रिश्ता आओ के भाई बूढ़ी माई पोती ब्याह ले, पोती को रिश्तो कर दियो। बोली ना कोनी करियो सी बात रिश्तो रे पोती को। तो बोली मारे कर दे। बोले भाई मैं तो थार भगवान को नाम ली से नित्ता नेम को। तो नहीं बोले ना आई हो तुम्हारे तो कोनी ली नाम नोम। तो फिर बोली तो मैं कोनी ब्याहूँ मेरी पोती ने, मेरी पोती तो रोज नित्ता नेम की कहानी सुना सुने से, और फिर हाँ फिर रोटी पानी खास नेम टूट जाए मेरी पोती को मैं कौन ब्याहूँ। तो वह चलिया गया छः महीना बाद उनका वाह छोरी पसंद आगाम, तो इस सन ब्याह वहाँ बहुत बढ़िया छोरी से आया। तो फिर छः महीना पास फिर आया, तो वह न्यू सोच के आया चाहे उनका बूढ़ी माई ने न्यू कहा हम तो नित्ता नेम को नाम लिया करा तो अपना ब्याह देगी। तो वह गया बूढ़ी माई छोरी पोती को रिश्तो कर दियो। बोले ना भाई कौन करे उसे। तो बोले मारे कर दे। तो बोले भाई थम नित्ता नेम की कहानी कया करो। बोले ना हाँ बोले कया करा नित्ता नेम की कहानी, नित्ता नेम की रोज बात नाम लिया सा हम तो भगवान को नाम रोज लिया सा, पछ और काम करा। तो बोले ब्राह्मण की बेटी तो भाई ब्राह्मण कह भी आई जाएगी, हमने तो ब्याह बनी इसे हम तारे ब्याह देंगा, उनको ब्याह कर दियो बढ़िया दाव धूमधाम से ब्याह व्यू कर करके वह गाल दी बेटी। तो बेटी तीन दिन में आई वह उल्टी, फिर मुड़ा को नहीं आया कर तीन दिन में, तीन दिन रह के आई आई। तो दादी बुझे सासरा की बात है, बेटी बता सासरे में सासू की सी है, ससुरों की सो है, भाई परिवार की सो है, वह बात बुझे। भाई नित्ता नेम को ना लिया करे, किसने तेरी कहानी सुनी, किस ताई तन सुनाई, दादी सारी बात बुझे, सारी बात बुझे। तो बोली दादी मैं तो किशोराम को नाम तो तड़के ही खाऊँ सो जा, सन न खाऊँ सो जा, खार सो जा, खार सो जा, कोई नाम को नहीं ले भगवान को, ना किसन नित्ता नेम की कहानी सुनी, मेरी तो किसन कहानी तो सुनी को नहीं, न्यू मन रोटी खाई को नहीं।
हाँ मैं गई थी उसी आगे, मन तो पानी भी कोल पियो। तो दादी का चिंता होगी भाई के कराए ब्याह दी टाल भी को नहीं कर सका है आगे भाई जाड़ू तो उत्तर पड़ेगा। तो तू बेटा न्यू करे ले दाल भाई आप दाल धर लेंगे अपने दो रहे अरे हाँ। नहीं तो नीम की कहानी कह देंगे अरे दाल ने पल्ला बांध लिए दाल ने पल्ला बांध की न तू काम करी जाइए अरे तिरने तनेम की कहानी गाई जाइए तो हाँ झाड़ू झूड़ू लगावे भाई रोटी पोवे जिदी नी तनेम की यह कहानी कहीं जाइए। बोली ठीक से तो उसने दाल ले ली रहा चली गई। चली गई तो लगी उते वह बारी बुरी काटा तो गुण 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 नीता नेम की कहानी कह वो ससुरो बोलियो बहू तो बहुत काम वाली तो तब कहानी का चक्कर में और न्यू भी ना हुआ है भाई तू लेट हो रही भाई इतना जोर आ रही है काम करती काम को बेरो को निपटा हुआ तावली 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 का कहीं जा कहानी तावली का अथोर तावला चला हुआ काम करे। तो ससुरो बोलियो कैसे बहुत काम वाली बहू सा अपने तो बहुत घणो काम करे से लागी रस काम का। तो वह उनकी सासू बोली काम तो घणो ही करे से पर बरडाट भी इतनो ही करे से बरडाट करिए जा से के करे से सारा दिन बरडाट रखस तड़के ही तड़के ही काम करे इतने। तो ससुरो बोलियो बरडाट करे तो और तो के इलाज से तू काम करवा दिया कर 7 लाख की एकली करे से सारो काम है तो 7 लाख की करवा दे। तो बोली ठीक से भरडाट दिखा कम करे तो बहू उठ के पीसण लग गई। तो इतना सासू ने झाड़ू झूड़ू काट दी सारे बारी काट दी रो बर्तन बर्तन धो साफ कर दिया काम कर दियो सारो कर दियो। तो वह चाक्की बर्त उठी उठ के न खड़ी होगी एक जगह सासू धो रहा सासू बैठ गई अपना काम करके तो वह खड़ी होगी खड़ी होगी। तो नहीं बोली मेरे सर पर क्यों खड़ी सही वे कर बैठ जा कर ले क्यों करा आराम मत कर आई काम हाँ। तो नहीं बोली सासू माँ मैं तो जो आपने बारी लगा दी इसमें पाटे कूँ तो मेरा पाप चढ़ है मैं तो बारी खुद लाऊँ ही और का बर्तना का हाथ लगाऊँ तो मेरा पाप चढ़ है ये तो मैं आप करूँगी। तो नहीं बोली तन इतनो ज्ञान से और इतनी सारी बात तू जाना है तो क्यों बरडाट करया कर हाँ बर्ड 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 लागी रही तू यू काम तू कराए नहीं करिए जाए अरे कई रह आराम ते। तो बोली माँ जी मैं तो बरडाट कौन करूँ थी मैं तो मेरी नित्ता नेम की कहानी कया करती और वो मेरी कहानी कोई सुने हाथ को नहीं जित मैं एकली काम करी जा मेरी कहानी कहीं जा मैं तो नित्ता नेम भगवान की कहानी को फिर बा बोली सासू तो ही पछवा तू तन सुना दी होगा किसी ने बोल मेरे किसी ने सुनिए को नहीं सुना किसने दी हाँ। तो बोली न्यू कर तू हमने वह कहानी मन सुना दिया कर। बोली ठीक सर। तो बा सासू बहू दोनों कहानी कहे रोज काम हमने कहानी कोनी कह कि जो रोटी पानी खा ली सब ने फिर पट के भाई ब्राह्मण का बहू नीता नेम की कहानी कह कर नीता नेम भगवान की कहानी कह। तो उस नगर में जो राजा था उसका काल पड़ गया टोटो आ गया टोटो आ गया। तो भाई कति सब के खाली हो गए उनको बहु घर भी भड़कन लागे जिस तरह टोटो आ जाए जी गुड़ाई लड़ाई नहीं हो जाए हाँ भड़क जा सब के। तो वो बहू बेटा भी खान कमान चले आ गया कि तें वो राजा भी चले हो गए कि तें रानी रहेगी। तो किसी ने कही रानी ताई रानी ब्राह्मण का एक बहू है ब्राह्मण का बेटा का और वह रोज नित्य भगवान की कहानी का है वह नित्य भगवान की कहानी सुना न कोई तो उसका बहुत फायदे हुआ सर उसका सब के बिखेरे हुए काम समिट जा सारा संकट कट जा। तो फिर उसने आपकी दासी भेजी आग जा बहू नूर बुला के लिया उरा कवाऊंगी उसकन कहानी में नित्य निम भगवान की। तो पहली ईब तो आई वाले ने कह दी फिर वह चल पड़े से सासू कौन गुजा है जित वह पहली उनकी सासू दौरे गई दासी बोली थारी बहू ने दस रानी बुलावस है बोली क्या खातर बोली नित्य निम की कहानी कहनी से उस खातर बुलावस हाँ वह कहानी सुनेगी।
तनी बोली जनिता ने कि वह सोच में पड़ गई। फिर बोली जय इसने भेज दूँ तो या बद्दी लग गए भाई उत पंचायत में दूसरे के घर ने हाँ जान दी और ना भेजूँ तो भाई रानी है के रुके सजा सुना दे मुश्किल हो गया। तो फिर वह इतना वह बहू आ गई बोल के बात माँ जी। फिर ने बोली भाई या दस यारी से रानी के करते हैं हरियाणी का सह रानी बलावा से नीता नेम भगवान की कहानी सुनानी सी के करूँ बताई जिन्हें बोली दसी नूरा बोल के बोल रानी इन कह दिए मैं रानी को दियो को नहीं खा मैं तो मेरे नीता नेम भगवान को दियो डो खासूँ जब उसने कहानी सुननी से तो मेरे घर ना आ जाएगी। तो फिर बुलजा बता दिए उसने लोटो लिया होगी दाल लिया होगी पानी को लोटो लिया होगी और आवेगी तो मैं सुना दूंगी। तो दस दिन जाके रानी तो बता दूंगी कि नहीं बात। तो रानी ने तनेम की मन में सच्ची दामना करके ना चल पड़ी लोटो पानी को लेके दाल लेके चल पड़ी जाके ना कहानी सुनने लगी। इतना ही गल गल दस आली बोली रानी रानी तो तेरा बहू बेटा आ गया उस भगवान के आस्था पर वह सरुए करी कहानी जिद हाँ बोली तेरा बहू बेटा आ गया। बोली ठीक सब बहू बेटा आ गया तो पो लिंगा खा लिंगा आराम कर लिंगा मैं तो मेरी कहानी पूरी करके जिद आऊँगी। तो वह गई पूरी करके कहानी अगले दिन फिर दाल अर वाले की लोटा दूसरे दिन फिर आई कहानी सुनने लगी जी गल गल फिर आ गई रानी रानी तो बेटी जमाई आ रहा तो बोली बेटी जमाई आ गया तो भाई जमाई जमुई गाओ रोटी रोटी बना लेंगे खुआ पिया देंगा मैं तो मेरी कहानी पूरी सुन के फिर आऊँगी मैं तो मेरी कहानी नहीं तन्ने भगवान की सुन के आऊँगी। दसी फिर चली गई उल्टी। तो फिर तीसरे दिन फिर आई तीसरे दिन आई तो फिर आई दसी बाजी बोली रानी रानी राजा आ गया। तो बोल राजा आ गया तो भाई आपका संभाल लेगो राजपाटना में तो बोल नेता नेम की कहानी सुन के फिर आऊँगी हाँ पूरी। तो वह फिर पूरी होगी चौथा दिन फिर गई तीन दिन तो वह लिया चौथा दिन फिर गई तो वह दासी फिर अब कहानी सुनन लगी तो वह दासी फिर जा ली रानी रानी अपना जो मोदा गढ़ा हो रहा था बस ओदा हो गया अब सब के मौत हो मर गए तो उसको हाँ। तो खत्म हो टोटो आ गए तो कती हाँ तो नहीं बोली ठीक से भाई सौदा हो गया तो उन झाड़ पोछ की धरो और मैं तो मेरी कहानी सुन की पछा आऊँगी। पाँचवा दिन फिर गई कहानी सुनन गई तो बोले रानी गल गल दासी अपना तो धन माल का भंडार भर गया था उस आए सब के मुँह सोए हो गए जो थो। तो बोली ठीक से भर गया तो भाई संभालो अपना न मैं कहानी सुन के फिर आऊँगी। ने भाई वह रानी का जितनों भी मतलब राजा का टोटो आए थो वो सारो सही हो गयो हाँ नित्यनेम भगवान की कहानी सुनया तो नित्यनेम भगवान की कहानी नेम की नित्यनेम की कहानी सब ने सुननी चाहिए हाँ नेम पूरो करनो चाहिए आज इसी राजा में ठूठी इसी से मैं ठूठी हूँ सारी माना राम राम।